वेलकम टू इजी कुकिंग। ये पफ पेस्ट्री की कुकी सी बनाई हुई है। ये मेरे पास वनीला कस्टर्ड है, क्रीम। आज कुछ मीठा बना रहे हैं। सबसे पहले ये जो कुकी टाइप है, ये पफ पेस्ट्री से ओवन में बेक की हुई है। ये नीचे एक तवा लगाएंगे। थोड़ा सा एक एक साइड पे डाल दिया। अब इसके बाद इसके ऊपर ये कस्टर्ड, जो घर में कस्टर्ड आम वनीला कस्टर्ड बनाते हैं वो है जी, इसमें कस्टर्ड डाल दिया। कस्टर्ड ठंडा हुआ हुआ है, बिल्कुल ठंडा नहीं है पर वार्म है। इसको यहाँ इस पे सेट करेंगे, ऐसे इस पे फैला देंगे। ये सारा कस्टर्ड डाल दिया। अब जो हमारे पास ये कुकी सी बची है, इनकी हमने सेकंड तह लगानी है, पर अब थोड़ी खुली लगानी है क्योंकि इसमें थोड़ी स्पेस इसलिए छोड़ रही हूँ, जब हम ये सर्व करेंगे, कट करेंगे तो इजीली कट हो जाए। ये मैंने इसके ऊपर ऑलमोस्ट लगा दिए हैं। ये सारे लगाने के बाद जो हमारे पास जो बाकी कस्टर्ड है, फिर वो इसके ऊपर डाल दें। अब ये बाकी का कस्टर्ड भी इसके ऊपर आराम से डाल दें। अगर कस्टर्ड डालने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर आने लगे या सारी एक साथ लग जाएं, आप हाथ या किसी चीज़ से इनको वापस बीच दबा सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा ना सागी हो जाएंगी ना, तो फिर नहीं ये ऊपर आएंगी। ये देखें, ये एक दो इसके ऊपर आ गई, मैंने ये फिंगर से अंदर डिप कर दिए। ये देखें, अभी इसको तकरीबन 4-5 मिनट के लिए रख दूंगी क्योंकि थोड़ा सा वार्म है। जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे, फिर इस पे क्रीम डालेंगे। अभी मेरे ख्याल से ये थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इस पे मैं, ये होममेड फ्रेश क्रीम थी, मैंने उसी को बीट कर लिया है। ये क्रीम डाल दी। किसी स्पैचुला या स्पून या किसी चीज़ की भी हेल्प से आप इसको ऐसे सारा स्प्रेड कर दें। अब अगर आपके पास कोई फ्रूट्स वगैरह हैं घर में, या कोई नेट वगैरह हैं, जो चीज़ भी अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, काफ़ी मज़े का है। मेरे पास ये कुछ स्ट्रॉबेरी सॉस और चॉकलेट सॉस पड़ी थी, मैंने इसको यूज़ कर लिया। इससे कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है और बच्चे भी खुशी से खा लेंगे क्योंकि जितना कलर वाला है
दूसरा चॉकलेट सिरप से, तो बच्चे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अभी किसी भी ऐसे टूथपिक या किसी चीज़ से ऐसे इसको कर दें, थोड़ा सा ना इसमें ये डिज़ाइन सा बन जाएगा। ये देखें ये हो गया, इट्स रेडी। चलें हम एक पीस निकालते हैं, ट्राई करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये देखें ये काट लिया, मेरे पास थोड़े से पिस्ताशू पड़े थे मैंने वो भी डाल दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।